जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब कक्षा 2 में नई शिक्षक संदर्शिका अनुसार शिक्षण कार्य करना है, जिसकी पीडीएफ फाइल उपलब्ध करा दी गई है, मगर ज्यादातर जिलों में कक्षा 2 की कार्य पुस्तिका हार्ड कॉपी में उपलब्ध नहीं हुई है और ना ही उसकी पीडीएफ फाइल अभी शासन द्वारा आई है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको संदर्शिका अनुसार सारा कार्य बच्चों को कराना है और कार्य पुस्तिका के भाग को आपको छोड़ देना है जब तक कार्य पुस्तिका उपलब्ध ना हो जाए। जैसे ही कार्य पुस्तिका आए आप उनमें कार्य कराना शुरू कर दें, या फिर आप चाहें तो जब तक अपने अनुसार कार्य पत्रक बनाकर बच्चों को हल करा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखेंगे कि आप डायरी में दी गई सारी शिक्षण योजना वैसे ही लिख देंगे। बस अगर आपके पास कार्य पुस्तिका हो तो आप वह पाठ डायरी में लिख देंगे कि आपने यह कार्य कराया है, और अगर नहीं है तो आप यह कार्य पुस्तिका का पाठ डायरी में नहीं लिखेंगे। इसका विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा डायरी भरने से पहले आप यह वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ज्यादातर शिक्षक साथी डायरी भरने में कुछ विशेष बातों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जिससे निरीक्षण के समय उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आज की वीडियो में हम नई आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका अनुसार कक्षा 2 की भरी हुई शिक्षक डायरी देखेंगे, और इससे पहले कि भरी हुई शिक्षक डायरी पीडीएफ आपको चैनल पर शिक्षक डायरी 2023-24 प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए अब कक्षा 2 की भरी हुई शिक्षक डायरी देखते हैं। साथियों, आगे भी ऐसी ही शिक्षक डायरी देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।